हेलो चिल्ड्रेन हम क्लासिफिकेशन का लेसन कर रहे थे ना एप्टीट्यूड में इज इंट एट असाइनमेंट नंबर फिफ्टीन हमने कर लिया पेज नंबर नाइनटीन नाउ वी वेर डूइंग पेज नंबर ट्वेंटी का असाइनमेंट नंबर सिक्सटीन इज इंट सो हमने कितने पिक्चर्स किए थे पिक्चर नंबर वन टू थ्री एंड फोर चार पिक्चर्स किए थे ना एंड पिक्चर नंबर ए में ऑड कौन सा था सी वाई बिकॉज ए बी एन डी में बॉल पिक्चर के अंदर था बट सी में बॉल पिक्चर के बाहर था नंबर टू में क्या हुआ था ए बी एंड सी के एबकस में फाइव बॉल्स थे पांच या फिर पांच मोतिया थी फाइव बीड्स थे एंड पिक्चर नंबर डी में सिक्स बीड्स थे राइट पिक्चर नंबर थ्री में क्या हुआ था बी सी एंड डी जो तीनों पिक्चर्स है वो ट्राइंगल वाले हैं एंड पिक्चर नंबर ए जो है वो सर्कल है नाउ फोर पिक्चर नंबर फोर में क्या हुआ था सारे एरोस ट्राइंगल के अंदर आ रहे थे और मैच स्टिक बाहर जा रहा था इट ए बी एंड सी में राइट बट पिक्चर नंबर डी में क्या हुआ था एरो बाहर जा रहा था और मैच स्टिक अंदर जा रहा था ऑपोजिट था तो पिक्चर नंबर डी को हमने क्रॉस करा नाउ हमने फोर पिक्चर्स कल किए थे आई मीन ऑन फ्राइडे आज क्या करेंगे बाकी के बचे हुए फोर पिक्चर्स करेंगे हम राइट नाउ पिक्चर नंबर फाइव इसमें क्या है वी हैव स्क्वायर्स राइट स्क्वायर्स के अंदर छोटे स्क्वायर्स है टू कलर्स के ब्लू एंड ग्रीन बट इन पिक्चर्स में क्या है सी ए में क्या है टू कॉर्नर्स पे है ना ब्लू एंड ग्रीन बी में एक कॉर्नर पे ग्रीन और बीच में ब्लू सी में अगेन टू कॉर्नर्स पे ब्लू एंड ग्रीन डी में टू कॉर्नर्स पे ब्लू एंड ग्रीन सो इन सारे पिक्चर्स में ए सी एंड डी में जो ब्लू एंड ग्रीन वाले बॉक्सेस हैं वो कॉर्नर्स पे हैं राइट बट पिक्चर नंबर बी में ओनली ग्रीन बॉक्स कॉर्नर पे है और ब्लू बॉक्स बीच में है राइट सो दिस इज क्रॉस करेंगे इसको बी को समझ में आया नहीं आई विल टेल इट अगेन सी ब्लू एंड ग्रीन कॉर्नर पे है ए पिक्चर में सी पिक्चर में भी ब्लू एंड ग्रीन कॉर्नर्स पे है डी पिक्चर में भी ब्लू एंड ग्रीन कॉर्नर्स पे है बट पिक्चर नंबर बी में ग्रीन कॉर्नर पे है और ब्लू बीच में है राइट सो दिस इज द ऑड पिक्चर अब आ गया ना समझ में ओके नाउ नंबर सिक्स थ्री बॉल्स थ्री स्क्वास थ्री ट्राइंगल्स थ्री बॉल्स बट इसमें ऑर्ड कौन सा है सी सारे पिक्चर्स के अंदर डॉट्स बने हैं ना है ना बट ए वाले पिक्चर में क्या है बीच वाला राउंड बीच वाला जो सर्कल है उसमें डॉट नहीं है राइट सो ए इज दन तो वी क्रॉस ए वी क्रॉस ए वाई बिकॉज बी के स्क्वेयर्स के अंदर डॉट्स हैं, तीनों स्क्वायर में सी के तीनों ट्राइंगल में डॉट्स हैं, डी के तीनों सर्कल में डॉट्स हैं। बट ए के तीनों सर्कल में डॉट नहीं है बीच वाले सर्कल में डॉट है क्या नहीं है ना सो वी क्रॉस ए नाउ नंबर सेवन व्हाट इज इट सी वी हैव एल शेप बट एल शेप क्या है एक के ऊपर दूसरा एल शेप है राइट right? एक एल शेप उसके ऊपर दूसरा एल शेप सारे पिक्चर्स ऐसे ही हैं बट ए में भी दो एल शेप बी में उल्टा एल शेप डी में भी एल शेप राइट बट सी में क्या है जो एल शेप है एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है और यहाँ बीच में एक रेक्टेंगल बन रहा है राइट सो दिस डॉट इज बिटवीन एल शेप ए में एल शेप के बीच में डॉट है बी में भी एल शेप के बीच में डॉट है और डी में भी एल शेप के बीच में डॉट है बट पिक्चर नंबर सी में ये एल शेप जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है और बीच में एक रेक्टेंगल बॉक्स बन रहा है राइट right? सो so, ये रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर डॉट है विच इज द ऑड पिक्चर सो वी क्रॉस सी राइट नाउ पिक्चर नंबर एट पिक्चर नंबर एट में क्या है वी हैव फोर पिक्चर्स पिक्चर नंबर ए में वी हैव वन ग्रीन वन ब्लू पिक्चर नंबर बी में वी हैव वन छोटा सर्कल एंड वी हैव वन बड़ा सर्कल वन इज ब्लू वन इज खाली राइट पिक्चर नंबर सी में वी हैव सर्कल के अंदर एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल बट दोनों ब्लू है एंड पिक्चर नंबर डी में वी हैव एक बड़ा सर्कल उसके अंदर वी हैव ग्रीन सर्कल एंड वी हैव छोटा सर्कल जो खाली है राइट right? बट इन सब में देखो फर्क क्या है टू कलर्स ए में टू कलर्स बी में टू कलर्स सी में टू कलर्स डी में टू कलर्स बट सी में क्या है सी में दोनों सर्कल बड़ा सर्कल एंड छोटा सर्कल दोनों सेम कलर का है ना सो दिस इज दिक्चर वी क्रॉस सी गोट इट नाउ कम टू पेज नंबर ट्वेंटी वन यहां पर आपको टिक करना है फर्स्ट वाले पेज में हमने क्या किया था सर्कल किया था अभी वाले पेज में क्या किया था पेज नंबर नाइन ट्वेंटी में क्या किया हमने क्रॉस करा अभी पेज नंबर ट्वेंटी वन यहाँ पर क्या करना है वी हैव टू टिक टिक द ऑड पिक्चर ठीक है सर्कल के अंदर सी वी हैव लेटर्स गिवन इज इट अल्फाबेट्स दिए हैं ना ए बी एन क्यू एल एम टी यू फर्स्ट पिक्चर में सो व्हाट वी हैव टू डू इज सर्कल के अंदर जो अल्फाबेट्स दिए हैं उन वही अल्फ़ाबेट्स बाहर भी दिख लिखे हैं बट इनमें से जो ऑड वाला है उसको हमें पिक करना है ना हाउ डू वी फाइंड इट इट्स वेरी सिंपल सी पहले वाले में क्या है ए बी ए के बाद बी आता है ना नजेंट इट एन क्यू जब हम ए बी सी डी बोलते हैं तो हाउ डू वी से इट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम इज एंट इट सो ए के बाद बी आता है आई जे के एल एम एल के बाद एम आता है इज एंट इट फिर एम के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू टी के बाद यू आता है राइट बट एन के बाद क्यू आता है क्या नहीं आता है ना पी के बाद क्यू आता है राइट सो दिस इज दिक्चर ऑर्ड ऑल्ड अल्फाबेट टिक बी ए के बाद बी आता है राइट right? एल के बाद एम आता है टी के बाद यू आता है बट एन के बाद क्यू नहीं आता है सो बी इज द ऑड पिक्चर आ गया समझ में सिंपल है सिर्फ ए बी सी डी आप बोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा राइट ओके नाउ नंबर टू नंबर टू में क्या है वट डू वी हैव इन नंबर टू नंबर टू में वी हैव सेवन जीरो सेवन सिक्स जीरो सिक्स फोर जीरो थ्री फाइव जीरो फाइव ये तो पिक्चर देख कर ही समझ में आ जाता है इजेंटेड क्यों बताओ क्योंकि ये थ्री थ्री नंबर है ना हर नंबर के अंदर थ्री नंबर है ना जो फर्स्ट नंबर है वही लास्ट नंबर है सी वन टू थ्री अगर आगे सेवन है तो लास्ट में भी सेवन है आगे सिक्स है तो लास्ट में भी सिक्स है आगे फाइव है तो लास्ट में भी फाइव है बट यहाँ पे आगे फोर है बट लास्ट में फोर है क्या नहीं है ना सो वॉट डू वी डू वी टिक डी नंबर फोर जीरो थ्री वाई बिकॉज फाइव पहले है फाइव लास्ट में है फाइव ज़ीरो फाइव सेवन पहले है सेवन लास्ट में है सेवन ज़ीरो सेवन सिक्स पहले है सिक्स लास्ट में है सिक्स ज़ीरो सिक्स बट यहाँ फोर पहले है लेकिन फोर लास्ट में नहीं है फोर जीरो थ्री है सो डी इज़ द ऑड पिक्चर नाउ नंबर थ्री नंबर थ्री बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है नंबर थ्री में क्या हो रहा है पता है आपको हमने अल्फ़ाबेट्स पढ़ा था पढ़ा था ना अभी फर्स्ट वाले में अल्फ़ाबेट्स पढ़ा था ना एक नंबर एक लेटर के बाद दूसरा लेटर आ रहा है एजेंटेड अगर हम ए बी सी डी बोलते हैं तो क्या आता है ए के बाद बी बी के बाद सी सी के बाद डी डी के बाद ई e, ई e के बाद एफ एजेंट इट? सो यहाँ पे क्या है ए के बाद बी फिर सी के बाद डी एजेंट और बी के बाद सी आता है ए बी बी सी सी डी बट ई क्या है डी के पहले है डी के बाद ही आता है ना पहले आता है क्या ई नहीं आता डी के पहले क्या आता है सी आता है राइट right? तो डी के बाद ही आता है लेकिन यहां पे क्या लिखा है यहां पे ई e लिखा है डी से पहले सो वट डू वी डू बी सी ये तो राइट है बी के बाद सी आता है ई डी ठीक ई डी क्यों क्योंकि सी के बाद डी आता है ए के बाद बी आता है बट ई e जो है वो डी के बाद आता है डी के पहले नहीं आता है राइट ओके नाउ नाउ पिक्चर नंबर फोर में व्हाट डू वी हैव अगेन फोर नंबर्स वी हैव राइट टू जीरो वन सेवन जीरो सिक्स थ्री जीरो थ्री एंड सिक्स जीरो फाइव सो so हियर क्या हो रहा है यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है और जो लास्ट नंबर है उन दोनों को देखना है बाकी तो बीच में सबके जीरो है राइट right? सारे नंबर्स के बीच में जीरो है ना बट फर्स्ट नंबर इज टू लास्ट नंबर इज वन तो वन क्या है टू से पहले आता है इज इट वन टू से पहले आता है ना सो टू जीरो वन जो वन है वो टू से पहले आता है वो लास्ट में लिखा हुआ है अभी दूसरे पिक्चर में देखो सेवन जीरो सिक्स सिक्स जो है वो सेवन से पहले आता है ना तो सिक्स लास्ट में लिखा हुआ है सिक्स के बाद सेवन थ्री जीरो थ्री यहाँ पे क्या हो रहा है पहला जो नंबर है वही लास्ट नंबर है सेम सेम अभी यहाँ देखो सिक्स जीरो फाइव फाइव के बाद सिक्स आता है ना सेम है देखो वन के बाद टू सिक्स के बाद सेवन फाइव के बाद सिक्स बट यहां पर ये दोनों नंबर सेम सेम है राइट सो विच इज नंबर हियर थ्री जीरो थ्री सो थ्री जीरो थ्री कहाँ पे है ए नंबर पे सो टिक ए, वाई बिकॉज सबके बीच में तो सेम नंबर है जीरो जीरो बट वन कम्स बिफोर टू फाइव कम्स बिफोर सिक्स सिक्स कम्स बिफोर सेवन सो टू जीरो वन सिक्स जीरो फाइव सेवन जीरो सिक्स बट ये वाले नंबर में थ्री जीरो थ्री फर्स्ट लेट फर्स्ट नंबर एंड द लास्ट नंबर इज सेम सो दिस इज द ऑड नंबर ऑड पिक्चर नाउ यहां पे क्या हो रहा है पिक्चर नंबर फाइव में तो देखकर ही समझ में आ रहा है नहीं इजेंट इट इट्स वेरी इजी फाइव नंबर में इज इंट इट वेरी इजी सी के बाद डी आता है सो वी हैव दो डी रिटर्न ओवर हियर ए के बाद बी आता है वी हैव टू बीज रिटर्न ओवर हियर डबल एफ ई यहां पे भी दो एफ लिखा है और सिंगल ई e लिखा है राइट बट यहाँ पे क्या हो रहा है टी यू वी एस टी यू वी ये तीनों अल्फाबेट्स ये तीनों लेटर्स अलग अलग हैं इजेंट इट कोई रिपीट हो रहा है क्या टी के बाद अगर दो यू होते तो समझ में आता या फिर दो यू के बाद वी होता तो समझ में आता बट यहाँ पे क्या है तीनों लेटर्स तीनों अल्फाबेट्स अलग है सी टी यू वी इजेंट इट सो टी यू वी जो है वो ऑड है दो अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं उसके बाद ई e. फिर सी के बाद दो अल्फाबेट रिपीट हो रहा है ए के बाद दो अल्फाबेट रिपीट हो रहा है बट यहाँ पे क्या है वी हैव तीनों अल्फाबेट्स अलग अलग राइट सो आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया है क्लासीफिकेशन का और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है नेक्स्ट एप्टीट्यूड वाले क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑर्डरिंग ठीक है टिल देन फिनिश योर वर्क कोई पेंडिंग वर्क मत रखना एंड प्लीज आप मेरे साथ साथ वर्क करोगे तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा काम का आप मेरे साथ ही अपना काम करते जाओगे तो आपका काम साथ साथ में फिनिश हो जाएगा आप पेंडिंग वर्क रखोगे तो फिर बहुत सारा जमा हो जाएगा और आपको एक साथ लिखना पड़ेगा जब हम टर्म वन की बुक्स मांगेंगे आपको चेक करने के लिए तब है ना सो so, आप साथ साथ में लिखो तो आपके ऊपर बर्डन कम पड़ेगा